आई थिंक ये 20 साल की जर्नी है मेरी ऐसे ही ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ऑफिस में जाके तो मुझसे पूछा गया था कि क्या है किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट ने पूछा था क्या है मैंने एक्टर हैं, बोले दिखने से तो लगते नहीं वो एक्टर हो तो क्या होता था कि इंडस्ट्री में हमेशा ये चलन था कि एक्टर हीरो जो होता है वो छह फुट का होता है और गोरा होता है और लंबा चौड़ा बल्ले छल्ले होते हैं मतलब हम तो बस ऐसे ही चले गए थे ऐसा 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 समझता था वो और शिप्रा में आपको यकीन दिलाना चाहता हूं इस चीज का कि मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी जब मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं तो उन्होंने भी मुझे डीमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी क्योंकि पांच फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी काला कलूटा मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में मेरा क्या हाल होगा बट एक जिद थी एक जिद थी और हजारों लाखों मतलब सालों साल से इंडस्ट्री में सिर्फ यही चलन था कि एक्टर तो हीरो तो जो है ऐसा होता है लेकिन सब ऑर्ड सिचुएशंस के बावजूद भी गए लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है तो अलग क्या करूं? अलग क्या होना चाहिए उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत थी जो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आके ट्रेनिंग ली तीन साल मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की वहां पे और अपने क्राफ्ट के बारे में समझा कि एक्चुअली इस पर्सनैलिटी में अगर मैं लोगों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ उसके लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें क्राफ्ट उसका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे ही हवा में नहीं कि जैसे पहले होता था अरे यार तो तो बहुत खूबसूरत दिखता है फिल्मों में जाके काम करना शुरू कर दे ऐसा नहीं किसी चीज़ को बारीकी से जानना उसके लिए ट्रेनिंग की एक्सपर्ट्स की एक्सपीरियंस की, की ज़रूरत होती है तो मैंने ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से और 2000 में मैं पहुंच गया मुंबई मुंबई पहुंचने के बाद जब हम किसी ऑफिस में जाते थे आई थिंक उससे पहले चलन नहीं था बिल्कुल भी हम लोग गए जैसे मैंने बताया कि ऑफिस में खड़ोगे भाई हम एक्टर हैं काम दोगे क्या तो बोले पहले हुलिया तो देख अपना तू तो ये हर बार सुनने के लिए मिलता था और वो बात भी सही थी क्योंकि उससे पहले कभी कोई आपने देखा नहीं होगा कोई को, को इतना बड़ा कोई इतनी सी पर्सनैलिटी का पाँच फोट छ छे, इंच का आदमी पतला दुबला सा मरियल सा कि कभी ये इस तरह के लोग एक्टर भी बन सकते हैं हीरो भी बन सकते हैं स्टार भी बन सकते हैं ऐसा चलन था ही नहीं मैं कॉन्फिडेंट था बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग मैंने ट्रेनिंग ली थी और अपने क्राफ्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता था मैं और उस चीज़ का सिर्फ कॉन्फिडेंस था मुझे कि आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों या दस साल या बीस साल या तीस साल तीस साल के बाद नंबर जरूर आएगा मेरा मैंने मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं किया टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर दो साल ट्राई करके देखता हूँ उसमें अगर हो गया तो ठीक है वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूंगा ऐसा कभी नहीं जिस चीज़ का पैशन होता है जज्बा होता है अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं क्योंकि ये आपने चाहा है परीक्षा देनी पड़ती है आपको जितना बड़ा इम्तहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी आसान काम नहीं है छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो तो उसके लिए उसके लिए हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो कि जो पॉसिबल जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत पैशन आपके अंदर होना चाहिए वो हो जाता है आज जो दुनिया में इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं ये सिर्फ इसी बिना पे हुए हैं पागलपन के जरिए ही हुए हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट एक, एक मैंने कहीं सुना था कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फेलियर भी होते हैं कई बार फेलियर होते हैं कोई एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई एक चीज़ करने के लिए बहुत बार हमने भी झेला है बहुत बार फेलियर हुए हम लोग लेकिन एटलीस्ट हमें इतने सारे फेलियर होने से इतने तरीके पता चले कि इन तरीकों से सक्सेस नहीं मिल सकती फॉर एग्जाम्पल एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो सौ बार एक्सपेरिमेंट किए अपनी जिंदगी में सौ बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उसको पता चला कि अरे फॉर्मूला तो ये था बल्ब बनाने का तो एटलीस्ट उसको ये उसके साथ साथ उसको ये भी पता चला कि 100 जो तरीके हैं 100 तरीक़ों से बल्ब नहीं बनता ये भी पता चला उन फेलियर्स में उसको जब हम लोग मुंबई आए तो हमें मालूम था हमारे पास पर्सनैलिटी नहीं है हमारे पास बैक नहीं है या हमारे फादर दादा परदादा तो फिल्म इंडस्ट्री में है नहीं हम ही हैं तो हमें क्या करना चाहिए इसलिए लोगों के बीच में घुसे रहते थे आम लोगों के बीच में घुसे रहते थे उनका एक्सपीरियंस सुनते थे उनको ऑब्जर्व करते थे तो आई थिंक मेरे पास पंद्रह साल तक दस साल दस बारह साल तक कोई काम नहीं था जैसे आपने बताया कि बहुत ही दस दस सेकेंड के रोल करके घर में आके बैठ जाता तो पूरे साल खाली बैठे रहते थे हम लोग लेकिन एक चीज़ थी कि लोगों के बीच में रहते थे लोगों के बीच में रहने से ये एहसास हुआ हमें कि तरह तरह के लोग हैं लेकिन हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही तरह की एक्टिंग होती है हज़ारों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में लेकिन एक्टिंग सिर्फ एक ही तरीके से होती है हमारे यहाँ तो मुझे लगा यार ये मैं तो ट्रेन भी हूँ मुझसे अपनी आर्ट भी आती है और हज़ारों लोगों को मैं ऑब्ज़र्व भी कर रहा हूँ तो ये तो सबसे अच्छा सूत्र है ये तो सब ये तो इससे तो मैं बहुत बहुत कुछ कर जाऊँगा तो जब ये सूत्र पता चला मुझे कि अब मैं ये जो हज़ारों लोगों को मैंने ऑब्ज़र्व किया है अब जब भी मुझे कोई रोल मिलेगा उन्हीं में से वो एक इंसान होगा उसी में वो ठाकरे बाड़ा साहब ठाकरे होंगे उसी में मंटो होगा उसी में गणेश गायतोंडे होगा उसी में फैजल खान होगा उसी में माजूमदार साहब होंगे तो इस तरह के ये कब हुआ जब मैंने लोगों हमने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया लोगों के बीच में रहे मैं पंद्रह साल के बाद जो मेरी लाइफ थी जिसमें खाने तक को नहीं मिलता था अफॉर्चुनेट अपने आप को समझने लगा था कि थैंक गॉड कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों के बीच में मुझे रहने का मौका मिला कुक तो कभी भी आई थिंक मुझे लगता है कि कभी भी जब आप स्ट्रगल कर रहे होता ना वो एक मौका होता है आपके पास वो एक चांस होता है आपके पास कि कैसे उस उसमें आप अपना ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस जब आपको काम मिलेगा वो उसमें लगाएंगे आप तो मेरी लाइफ बहुत ही आज जब मैं सोचता हूं कि यार ये तो बहुत ही अच्छा हुआ था जो पंद्रह दस बारह साल मैंने बिना काम के गुजारे जो लोगों के बीच में रहा था मैं आज वो काम आ रहा है मेरे जहां जरा सो कोई कैरेक्टर मिलता है तो आदमी इसलिए कनेक्ट करता है उनसे कि उनको लगता है कि यार ये तो मेरे पड़ोस का ही आसपास का ही ये बंदा है मैंने देखे हैं इस तरह के लोग आई थिंक यही हमारी सबसे बड़ी जीत है ज एन एक्टर अफकोर्स स्ट्रगल में बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं क्योंकि खुजली आपको हुई है आप ही को मिटानी पड़ेगी नो <laughs> you know? आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था और अगर डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं तो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना तो बस यही था कि 10-12 साल तक मैंने सोचा था 10-12 साल जब स्ट्रगल हो गए तो मेरे बहुत ज्यादा वो भी हुआ कि यार छोड़ के चले जाते हैं कुछ काम मिल नहीं रहा क्या हो रहा है कुछ पता नहीं आई डोंट नो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा फिर ये होता था कि नहीं मेरी मदर जो है ना एक लेटर लिख के दे लिखती थी मुझे हमेशा तब मोबाइल वोबाइल नहीं आए थे पेजर पेजर आए थे तो पेजर यहाँ पे लगा के चलते थे हम लोग जब उनको मालूम हो जाता था कि भाई बंदा जो है ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है डिप्रेशन में है क्योंकि काम नहीं मिल रहा तो मेरी माँ मुझे एक लेटर लिखती थी उस तो उसको लिखती थी कि, कि कच लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी कि बारह साल में कचरे के दिन भी बदलते हैं तू तो इंसान है तू तेरा दिन भी बदलेगा तो उन सब चीज़ों को देख के कोई एक शेर कोई एक कोटेशन कोई इस तरह की जो मोटिवेशन मोटिवेट करती हैं जो लाइन्स आपको उनका रहना उन पर बिलीव करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वही चीज़ आपको मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ाने के लिए और जब ख़राब वक्त होता है आपको वो लाइन्स वो पोइम्स वो वो सारी चीज़ें आपको संभल देती हैं मजबूती देती हैं ताकत देती हैं और मैं जिस गांव से आया था डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के एक छोटा सा गांव था बुढ़ाना जब हमने शुरुआत की थी वहाँ पे जब मैं था वहां पे वहां पे लाइट भी नहीं थी एक घंटे के लिए रात में कभी आ गई या एक महीने के बाद हल्का सा मुंह दिखा के चली गई इस तरह की लाइट इस तरह होती थी वही लैंप में पढ़ना स्टार्ट किया लैंप तो छोटे से गांव से आने के बावजूद फिर दिल्ली हमारे दिल्ली मतलब छोटा सा उससे बड़ा शहर भी हमें ऐसा लगता था पता नहीं क्या है मतलब डर लगता था मैं जब मुंबई में आया था तो मैं पंद्रह दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकला था क्योंकि इतनी स्पीड देख रहा था मैं कि इतनी स्पीड में तो हम चल ही नहीं पाएंगे इस शहर के साथ शायद हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी तो इस तरह के डर थे लेकिन ऐसी जगह पे ऐसी जगह पे आ गए थे कि अब जाना भी मुश्किल था तो मतलब वापस नहीं जा सकते थे वापस इसलिए नहीं जा सकते थे कि बहुत सारे डर थे वापस अगर चले गए तो थिएटर के जो मेरे दोस्त थे वो वो बोलते क्यों भाई वापस आ गए तुम भी जैसे बहुत सारे लोग वापस आ रहे तो तुम भी वापस आ गए चलो लग जाओ ठीक है गाँव में इसलिए नहीं जाता था अपने कि जो पहले ही बोलते थे वो लोग कि शक्ल तो देख ले फिर हार के उनके सामने चला गया तो क्या बोलेंगे अब हमने वो तो वही बोलेंगे कि हमने तो पहले मना किया था कि मत जाओ क्या सूरज शक्ल तो थो, थोड़ी ही थी तुम्हारे स्टार बनने की एक्टर बनने की तो ये बहुत सारे डर थे जिसकी वजह से मैं अपने ना तो गाँव जाता था ना जहाँ से ट्रेनिंग ली थी दिल्ली से न जाता था मैं मैंने जो भी है मरना जीना मुंबई में ही होगा रही बात सक्सेस की सक्सेस अगर तीस साल बाद भी मिलेगी उसके लिए भी मतलब तैयार रहना चाहिए सक्सेस की कोई डेट नहीं होती कोई तारीख नहीं होती कोई टारगेट नहीं होता कि इतने ही दिनों में मिल जाएगी इंसान का काम होता है आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ना हमेशा अपने आप को लाइफ में पुश करते रहो और पैशन पैशन के साथ जिस भी आप काम में हो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पैशन पैशन के साथ लगे रहना बहुत जरूरी होता है क्योंकि पैशन से क्या होता है जिस भी आप फील्ड में होते हैं उसकी डिटेल्स डिटेलिंग्स मिलनी शुरू होती है जैसे जब आप समंदर में देखते हैं समंदर देखते हैं समंदर की जब गोता मारते हैं नीचे जाते हैं तो आपको एक धीरे धीरे बहुत कुछ दिखाई देना शुरू ऐसी आपका भी फील्ड है कोई भी हर फील्ड ऐसा ही होता है उसमें असीम संभावनाएं है होती हैं इतनी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आई थिंक दुनिया का हर हर काम में इतनी पॉसिब सिर्फ अगर एक दर्जी है पैंट सीता है एक हज़ार तरीके की पेंट सी सकता है वो अगर वो चाहे तो अगर उसने नहीं चाहा तो वो जो ट्रेंड चला रहा है वही सीता जाएगा लेकिन अगर उसने चाह लिया कि मैं ऐसा कुछ मैं ऐसा कुछ करता हूं तो एक हज़ार तरीके की पेंट उसी में एक हज़ार तरीके की सी देगा वो पैंट ऐसे हर फील्ड में पॉसिबिलिटीज़ बहुत होती हैं और एक परफेक्शन होता है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग हम लोगों ने ट्रेनिंग इसलिए ली कि परफेक्शन आ जाए अपने काम में जैसे एक मैंने एग्ज़ाम्पल सुना था कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये चूंकि मैंने बचपन में सुनी थी उन पे दिमाग उन्हीं को अपनी लाइफ बना के आगे बढ़ा तो आज यहाँ पे हूँ इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं उनको सुनना बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए बताते हैं कि एक बहुत बड़े पता नहीं ये सच है झूठ है मुझे नहीं इतना ज्यादा नहीं मालूम बट कोई बहुत बड़े इंसान हुए लेकिन वो पहले मोची थे जूता सीते थे लेकिन जूता जहां से सीते थे ना वहां से कभी फटता नहीं था वो भले दूसरी जगह से फट जाए लेकिन वहां से नहीं फटता था क्योंकि उसका पैशन था जूता सीना काम भले वो है वो लेकिन उस काम में भी उनका उनका पैशन है तो इसी वजह से वो इतने पॉपुलर होते चले गए कि यार जूता फट गए लेकिन सिलवाना वहीं जाके क्योंकि वहां जा, अगर उन्होंने उन्हें सी दिया वहां पे जिंदगी भर वहां से जूता नहीं फटेगा तो छोटी छोटी चीज़ों में ये जो परफेक्शन पैशन ये सारी चीज़ें होती तो जो आपका आगे बढ़ाती हैं बहुत आगे ले जाती हैं लेकिन उसके वही है कुछ चीज़ों का होना वाकई बहुत जरूरी होता है फिर एक्सपीरियंस आपका आपकी नॉलेज जैसे मेरा मानना है कि मैं कभी मैं आई एम सॉरी टू से बट मेरा खुद का मानना है कि मैं लक पे बिलीव नहीं करता हूं मेरे सामने आज तक मेरी मेरे सामने लकीली कोई चीज नहीं हुई कि मैं लकीली यहां तक पहुंच गया आज जो आप प्रोमो देख रहे थे जो क्लिपिंग्स देख रहे थे मेरी मैं लकीली नहीं पहुंचा हूं यहां पे मैंने उसके लिए मेहनत की है मैंने उसके लिए नॉलेज इकट्ठी की है मैंने उसके लिए ट्रेनिंग ली है अगर लक पे डिपेंड करता ना मैं तो अपने एक रूम में रहता देखते हैं यार लक जब होगा तो हो जाएगा ऐसे थोड़े ना होता है ठाकरे बाड़ा साहब रह, ठाकरे का जब मैंने रोल किया तो वो लकीली नहीं हो गया उसके लिए एक महीना में पहले हारमोनियम पे बैठा मैं कि बाड़ा साहब कहाँ से बोलते हैं उनका सुर क्या है उनका टेक्सचर क्या है उनकी वॉइस का उनकी वॉक कैसे है वो चलते कैसे हैं उनका वेट किस चीज़ पर ज़्यादा डिपेंड करता है हर आदमी का जो वेट होता है किसी का थाइस पे होता है किसी का फूट पे होता है किसी का बट पे होता है वेट किसी का कमर पे होता है हर आदमी का एक वेट शिफ्ट करने का एक अलग तरीका होता है तो मैं हम लोग इतनी डिटेल में जाते थे कि बाड़ा साहब किन चीज़ों पे वेट कर रख के चलते हैं ऐसे चलते हैं कोई या तो ऐसे चलते हैं या ऐसे चलते हैं ये मैं इस तरह की बहुत सारी डिटेल होती हैं जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पता चलते हैं मेरे सामने इतने चैलेंज थे जब मैं बाड़ा साहब का रोल कर रहा था तो वो मिमिक्री भी नहीं होनी चाहिए कॉपी भी ना हो जैसे अमूमन अक्सर होता है जब हमारे यहाँ बायोग्राफी की जाती है तो हम कॉपी कर देते हैं उसकी कॉपी करना मतलब अगर हम किसी की कॉपी कर रहे हैं या मिमिक्री कर रहे हैं तो वो वीकनेस समझी जाती है क्या आप वीक एक्टर हो और ये बात मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था मैं ट्रेनिंग के फायदे बता रहा हूं आपको जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था ये हमें तभी समझ में आ गया था और प्रिपरेशन के वक्त बाला साहब की प्रिपरेशन के टाइम पे कि मैंने इसकी मिमिक्री नहीं होनी बाला साहब की मिमिक्री नहीं होनी चाहिए ना कॉपी होनी चाहिए और लगना भी चाहिए कि बाला साहब ठाकरे हैं क्योंकि चैलेंज ये था कि हज़ारों लाखों वीडियोस हैं बाड़ा साहब ठाकरे के हर आदमी ने देखे हुए हैं सब ने देखे हैं कि बाला साहब कैसे बोलते हैं कैसे हाथ को ऐसे ले जाते हैं एक बार ये हुआ था कि हम मैं जब इसकी शूटिंग कर रहा था ठाकरे मूवी की शूटिंग कर रहा था मैं तो उद्धव साहब ठाकरे जो है वहाँ पे आ गए थे वैनिटी में बैठे थे मेरे सामने तो मैं मेरा हाथ ऐसे था लाइक दैट like तो बोले आपने हाथ ये ऐसे क्यों रखा हुआ है मैंने उनका हमेशा ऐसे ही रहता था हाथ तो और यही वो क्या होता था वो सिगार पीते थे और सिगार ऐसे पिया जाता है कुछ ऐसे और इसलिए उनका हाथ हमेशा नॉर्मली भी रहता था तो ऐसे रहता था और यहीं से जब स्पीच देते थे यहीं से ये जाता था जो उनका सिग्नेचर वो जेस्चर था तो वो शॉक्ड हो गए कि इतनी डिटेलिंग इतनी डिटेलिंग आपने के ली है तो जब वो फिल्म देखी जब फिल्म देखी उन्होंने तो फिल्म देखने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि वाकई बहुत स्टडी की है नवाज़ ने उनके बाड़ा साहब के ऊपर तो मुझे खुशी हुई थी कि थैंक गॉड कि ये सारा किस लिए हो रहा है पैशन की वजह से हो रहा है एक पैशन है उसके बाद आपके आपका एक्सपीरियंस है आपकी नॉलेज है आपकी ट्रेनिंग है उससे ये सारी चीज़ें निकलती हैं लाइक मंटो ये जितने भी कैरेक्टर्स हुए वो सब हवा में नहीं हुए या लकीली नहीं हो गए उनके लिए बाकायदा बहुत छोटी छोटी मेहनत की छोटी छोटी डिटेल इकट्ठी की गई स्कोर बनाया उसका उन डिटेल्स का तब जाके वो कैरेक्टर जो आप देखते हैं वो एक अलग इंसान अल, एक अलग इंसान दिखता है वो मैंने कभी भी हीरोइज्म या इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं किया जब आज मुझे बोलते हैं कि तुम तो स्टार हो मैं मैं सच आज भी मुझे यकीन नहीं होता कि मैं स्टारों में मुझे लगता है कि मैं एक्टर ही हूं और मैं आज भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं नई नई डिटेल्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कैरेक्टर्स की स्टार्स का क्या होता है कि जब स्टार होता है एक जैसा होता है और तीस चालीस साल तक एक जैसा करता चला जाता है वो मुझे वो नहीं बनना अगर मैं ये करूँ तो शायद दूसरे दिन ही बोर हो जाऊंगा मैं मुझे हर रोज नए कैरेक्टर ढूंढने हैं लोगों के बीच में रहना है क्योंकि लोगों ये बीच में रहने से बहुत सारी चीजें मिलती हैं मैंने एक रोल किया था लंच बॉक्स में पता नहीं कितने लोगों ने देखी वो फिल्म मुझे नहीं मालूम उसका को इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरा जो दोस्त था जो मेरे रूम पार्टनर स्ट्रगल के टाइम पे मेरे साथ रहता था तो मैंने उसी को सेम उसी की डिटेल मार दी उसमें फिल्म में जब पिक्चर रिलीज हुई तो उसने देखी उसको लगा अरे ये तो मैं हूँ अब वो भी एक्टर था उसके बाद जब वो फिल्म इंडस्ट्री में किसी के पास काम मांगने जाता था तो लोग उसको बोलते थे यार ये ऐसा मत करिए नवाज ने कर दिया कुछ दूसरा कर तो बोलता हम तो ओरिजिनल में ही ऐसे हैं उन्होंने हमारा कॉपी किया है कहने का मतलब ये है कि लोगों के क्या होता है स्टार्स हमेशा शीशों के घरों में रहना शुरू कर देते हैं उनको बैंड्रा में उनको मतलब किसी ऐसी जगह पर रहते हुए ये नहीं मालूम कि दूसरी जगह क्या है अगर आप चाहते हैं रोज हर फिल्म में एक नई पर्सनैलिटी क्रिएट करें तो लोगों के बीच में रहना पड़ेगा आपको भले थोड़ी परेशानियां होती हैं बट रहना पड़ेगा उनके बीच में मेरा तो ऐसा मानना है नवाज आप बहुत छोटे से शहर से हैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो बहुत सारी सिटीज़ से हैं एक्चुअली मेजर सिटीज़ लाइक दिल्ली बैंगलोर हैदराबाद पुणे चेन्नई, नेपाल और इन सब चीज़ों के बीच में बड़े शहरों की बहुत सारी फ़ैसिलिटीज़ हैं बहुत सारे आ, आराम है जबकि आपके शहर या जिस शहर से मैं हूँ जहाँ पे एजुकेशन भी नहीं मिलती है जहां पे खाना पीना जैसे आपने बोला बिजली कोई भरोसा नहीं होता कब आएगी जाना तो नॉर्मल है हा? तो वहां पे उस छोटे से शहर में रह के एक परिवार में जहाँ पे कभी किसी ने एक्टिंग के बारे में दूर दूर तक नहीं सोचा था और आप आठ भाई बहन हैं सबके साथ रह के परिवार में परिवार का चीज करने की जगह एक अलग से एक जो थाट आया था अलग से कि मैं एक्टिंग करूँगा और वो भी काफी दिन बाद जब आपने जॉब भी कर ली उसके बाद तो जब वो थाट आया तो परिवार ने आपको सपोर्ट किया और अगर रिश्तेदारों ने जैसे आपने बोला कि कहा तो आपके दिमाग में उस समय क्या चलता था सी मेरे दिमाग में ये तो नहीं आया था कि मुझे एक्टर बनना है बट इतना जरूर था कि कुछ कुछ तो नया करना है क्या करूँगा मुझे नहीं आइडिया था जो सब लोग करते हैं जो वो नहीं कुछ अलग करना है मुझे लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे एक्टिंग करनी है और इसीलिए मुझे लगता है आज जब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं किसी भी फील्ड में होता एक्टिंग के अलावा किसी भी फील्ड में होता है तो मैं एक्सपेरिमेंटल ज़रूर होता क्योंकि मुझे आदत थी कि मुझे ट्रेंड जो ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट मैं बहुत ही रिबेलियस था रिबेलियस किस्म का इंसान हूँ मैं आज भी हूँ रहूँगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जो ट्रेंड चल रहा होता है उसके अगेंस्ट कुछ काम करना चाहे मुझे अच्छा लगता है वो क्योंकि क्या है ना कि चलन जो चलन चल रहा है आई थिंक उसको उसको बहुत आसान है उस चलन के साथ चलना उसके अगेंस्ट चलना उसके लिए सालों लग जाते हैं बीच बीच में आपको ये भी ये भी लगता है कि यार शायद पॉसिबल नहीं है लेकिन जब पॉसिबल होता है ना तो तब बड़ा अच्छा लगता है तब ये ये जैसे आज मुझे फील हो रहा है ना तब